गुड इवनिंग नमस्ते कैसे हैं सब लोग बहुत दिन बाद लाइव ताज जी अनिल मैडम पार्थ जी सुधा जी तनवी जी सरिता जी रिद्धि साहू कृष्णा जी सबको गुड इवनिंग नमस्ते सो so, तीन वीक की कॉलिंग हो गई है सुनने में आया है और बहुत सारे लोगों को कॉल आ गई अच्छी बात है केवीसी कब से स्टार्ट हो रहा है कब टीवी पर आएगा तो टाइम आने पर पता चल जाएगा आप लोगों को सभी लोगों को बहुत दिन बाद लाइव आए हैं यूनिक यूनिक क्वेश्चंस करेंगे यूनिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी करेंगे टफ भी करेंगे सब करेंगे ठीक है समय कम है तैयारी करते रहो कभी भी कॉल आ सकता है ओके वीडियो फ्रेंड कोई केबीसी कंटेस्टेंट हॉट सीट वाला नहीं बन सकता ट्रिपल एफ जा चुका है वो नहीं बन सकता और जो ऑडिशन दिया इस बार वो भी नहीं बन सकता ये मैं आपको बता देता हूँ तो ध्यान रखेंगे अपने जोड़ीदार कंपेनियन कौन जाएगा वो देख लेना और वीडियो फ्रेंड किसको बनाना है, वो सब देख लेना पता कर लेना इस साल टॉप प्राइस कितना है वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है जब टीवी पर आएगा तो पता चल जाएगा कोई बोल रहा है पांच करोड़ है कोई बोल रहा है दस करोड़ देखते हैं कितनी लाइफ लाइन से नहीं पता फिलहाल ये पता है वीडियो फ्रेंड और ऑडियंस पोल तो है उसके अलावा नहीं पता अभी कुछ बाकी सब लाइफ लाइन्स का ओके तो हम लोग बस दो मिनट में स्टार्ट करते हैं और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि कई लोग बहुत दिन बाद लाइव जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है जुड़ने में चलिए जो भी है आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना बिंदास कोई टेंशन की बात नहीं है ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट के वीडियो फ्रेंड लाइफलाइन है इस बार वीडियो फ्रेंड लाइफलाइन है इस बार मैं बता दे रहा हूं वीडियो फ्रेंड लाइफलाइन है अच्छे से बना लो देख लो ओके ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम्म एक मोटिवेशन से चालू करते हैं हिंदी थोड़ा गड़बड़ है बट ठीक है लोग आपके प्रशंसक है ये आपकी योग्यता है और लोग आपसे जलते हैं ये आपका जलवा है थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है बट काम चल जाएगा ओके हाँ। तो अगर आपके प्रशंसक है तो ये आपकी योग्यता है प्रशंसक की स्पेलिंग गलत है भी मैं बता देता हूँ कहीं से मैंने लिया अच्छा लगा और लोग अगर आपसे जलते हैं तो ये आपका जलवा है तो कुछ काम ऐसा करो कि लोग आपके साथ सेल्फी लें और वो मौका आ गया है अभी के के जरिए आप लोगों के पास ग्राउंड ऑडिशन दिए तो बिल्कुल आप लोग आगे बढ़ेंगे अच्छे से तैयारी करते रहो ओके ठीक है कभी भी कॉल आ सकती है ठीक ओके तैयारी अच्छी रखिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मल नाम का एक गांव है मुंबई के पास जहां पर लोगों की मल्टीपल वाइफ्स रहती है जिसमें पहली पत्नी के सिर्फ बच्चे होते हैं बाकी सबके बच्चे नहीं होते बाकी सबके बच्चे करने नहीं दिए जाते इसके पीछे क्या कारण है ऐसे दो तीन गांव है भारत में मैं एक खास एक गाँव डेन गंगमाल नाम का एक गांव है मुंबई के पास जहां पर बहुत सारे व्यक्तियों की मल्टीपल वाइफ्स होती है अलाव है वहां पर ठीक है लेकिन सिर्फ पहली पत्नी से ही बच्चे अलाव है बाकी से नहीं है अलाव ऐसा क्यों क्या कारण है ओके okay. नमन जी का तो आ गया आंसर नमन जी तो बहुत सारे क्विज में खेलते रहते हैं इसका आंसर है वाटर वाइफ्स वाटर वाइफ्स का मतलब क्या होता है कोई लीगल इश्यू कुछ नहीं है आप समझिए एक पत्नी जो रहेगी लीगल पत्नी जो रहेगी जो पहली पत्नी वो बच्चे वो करेगी बाकी जो रहेंगे पानी लाने का काम करेंगे ठीक है राजस्थान में भी एक जगह है ऐसी और ये मुंबई के पास गांव है वहां उनको बोलते हैं वाटर वाइफ्स उनका काम रहता है पानी लेकर आना घर के लिए पानी की व्यवस्था करना क्योंकि एक ही वाइफ रहेगी तो वो बच्चे और संभालेगी और पानी लेने तो नहीं जा सकती इसीलिए क्या है बहुत सारी शादियां करते हैं उसमें ये फिक्स रहता है कि पहली जो वाइफ रहेगी उससे बच्चे होंगे बाकी पत्नियों का काम क्या रहेगा वो जाएंगी पानी भरने घर के लिए कपड़े धोने के लिए खाने पीने बर्तन जो भी रहेगा उसके लिए ठीक है जल पत्नी बेटर लर्निंग चैन ने भी बताया अच्छा बी ने जल पत्नी या वाटर वाइफ्स याद रखेंगे ठीक है वाटर वाइफ्स अब ये गांव का नाम याद रख लो और राजस्थान में भी एक, एक ऐसा गांव है वहां का भी याद रख लो ऐसे दो चार गांव है जहां पानी की समस्या होती है तो ऐसा किया जाता है ठीक ओके ओके कोई डाउट किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना ठीक है कुछ कुछ विकिपीडिया पेजेस के भी मैं कॉपी डाला हूँ उसको देख लेना आप ठीक है वो भी मैं समझाऊंगा कि क्यों डाला हूँ ठीक अगला विकीपीडिया का पेज है आगे बढ़ते हैं ओके देखिए बात करते हैं जैकब डायमंड की जैकब डायमंड का क्या क्या नाम है पहले वो देख लो ठीक है किसके पास था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या, क्या कहानी है इसकी जैकब डायमंड को इंपीरियल डायमंड या विक्टोरिया डायमंड भी कहते हैं ठीक है जो किस प्रकार का था गोलकुंडा डायमंड का एक टाइप था ठीक है गोलकुंडा डायमंड का प्रकार था जैकब डायमंड या विक्टोरिया डायमंड ये किसके पास था हैदराबाद के जो लास्ट निजाम थे मीर ओस्मान अली खान सब आपस में कनेक्टेड है बता रहा हूँ मैं उनको मिला कैसे वो भी कहानी है सब कहानी समझ लो मीर मान अली खान को वो कहा मिला उनके पिताजी के जूतों के अंदर मिला वो ठीक है उनके पिताजी कौन थे महबूब अली खान कहां पर मिला चौ महल्ला पै पैलेस में और बाद में उस डायमंड को जेकब डायमंड को पेपर वेट की तरह यूज किया जाता था <coughs> ओके याद रखेंगे इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ विकीपीडिया से लिया हूं मैं नोट कर लो ठीक जेकअ डायमंड को इंपीरियल डायमंड या विक्टोरिया डायमंड भी बोलते हैं ठीक है राजस्थान का कौन सा गांव है ये राजस्थान के गांव का नाम भी है डेरासर विलेज राजस्थान जो वाटर वाइफ की बात कर रहे थे ना हम लोग वो है डेरासर विलेज राजस्थान नमन जी ने डाला है बारमेर डिस्ट्रिक्ट इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है अब वापस आते हैं हम लोग जेकअ डायमंड की तरह देखिए इसमें चार पांच क्वेश्चन ये बनता है कि हैदराबाद के लास्ट निजाम कौन थे मीर उस्मान अली खान ओस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है फिर एक क्वेश्चन बनता है कि उनको वो डायमंड कहा मिला तो ये यह देखिए पे लिखा है टो ऑफ द शो ऑफ दू फादर यानी कि उनके जूते में मिला <coughs> उनके पिताजी कौन थे महबूब अली खान कहां पर मिला चौ चौ महला, चौ महल्ला महल्ला पैलेस में महल्ला महल में मिला ठीक है इसको याद रखिएगा ओके और उसको पेपर वेट की तरह भी यूज किया जाता था देखा, लिखा लिखा यूज इट एज ए पेपर वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम यहाँ पर लिखा है आप ध्यान देंगे अच्छे से तो ये यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर ओके okay. तो ये बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आ जा रहे हैं ठीक है बहुत सारे फैक्ट इसमें आ जा रहे हैं लास्ट निजाम हैदराबाद स्टेट मीर उस्मान अली खान जैकब डायमंड कहा मिला पिताजी के जूतों के अंदर चौमहल्ला पैलेस में ये भी पूछ सकता है किसको पेपर वेट की तरह यूज किया जाता था जैकब डायमंड को यूज करते थे ये इसका कहानी है ठीक है ओके अभी कहां पर है करंटली इसको कहा रखा गया है करंटली इट इज इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉल्ट इन मुंबई ठीक है और काफी समय तक ये जैकब डायमंड को सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में भी रखा गया था लिखा हुआ देखिए ये मैं आपको बताना चाहता था इंपॉर्टेंट फैक्ट इसीलिए मैं ले आया आकीपीडिया से पेज ठीक है कोई डाउट यहाँ तक तो मैं आगे बढ़ूंगा बहुत सारे विकीपीडिया के पेजेस इंपॉर्टेंट पेज रहते हैं कई लोग सोचते हैं ये क्वेश्चन लाते कहाँ से ऐसे ही ये गूगल में विकीपीडिया में सर्च करके यहाँ से वहां हम लोग कनेक्ट करके आगे बढ़ते जाते हैं ठीक है गुड इवनिंग रिमी जी तो हम जैकब डायमंड की बात कर रहे हैं जैकब डायमंड ओके okay, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं जैकब डायमंड इंपीरियल विक्टोरिया डायमंड भी बोलते हैं मीर उस्मान अली खान को मिला था ये अपने पिताजी के जूतों के अंदर उनके पिताजी का नाम महबूब अली खान चाओ महल्ला पैलेस में चाओ महल या चाओ महल महल कुछ भी बोल लीजिए आप महल में ओके okay, और इसको पेपर वेट की तरह यूज करते थे फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट में मुंबई में और इसको कुछ समय के लिए सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में डिस्प्ले किया गया था ये रहा जैकब डायमंड देख सकते हैं आप ठीक है ओके ओके सारा चीज ले आया हूं मैं ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट को कनेक्ट करना जरूरी है हम मीर उस्मान अली खान के बारे में जानते हैं है, हैदराबाद के लास्ट रूलर लास्ट रूलर हम ये भी जानते हैं हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो से आजाद किया था ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को विलय किया था भारत में ऑपरेशन पोलो क्यों नाम दिया जाता है क्योंकि वहां के निजाम लोग पोलो ज्यादा खेलते थे कुछ लोग बोलते हैं पोलो ग्राउंड ज्यादा थे तो ये सब आपस में कनेक्टेड चीजें इसको ऐसे याद रखना पड़ता है ओके ठीक है तो अब जैकब डायमंड को भी याद रख लीजिएगा ओके चलो आगे बढ़ू मैं कोई डाउट नहीं तो वही लिख दो आप लोग एस 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 स्पीड साउंड स्क्रीन सब क्लियर ठीक है एस 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 स्पीड साउंड स्क्रीन स्ट्रेटजी ठीक, ओके आगे बढ़े चलो जैकब डायमंड मीर उस्मान अली खान ओके, हाँ फोर एस बिल्कुल सही वाह क्या बात है फोर एस ये भी अच्छा है फोर एस ओके फोर एस लिख दीजिए ये भी सही है फोर एस चलो आगे बढ़ते हम लोग ये फैक्ट हो गया, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग ठीक मीर उस्मान अली खान ये देखिए ये उनकी फोटो ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कल को आपको केबीसी पिक्चर में दिखा के क्योंकि वहां के लास्ट रूलर थे ना इसीलिए जरूरी है अब वहां के तो निजाम तो निजाम बहुत सारे रहे हैं लेकिन इनकी फोटो जानना इसलिए जरूरी है देखिए ये, 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 ये बाय निजाम है, इस पेपर वेट पर लिखा भी है इनका मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था ये सब इसमें लिखा मैं अपन ऊपर से नीचे तक आएंगे मीर उस्मान अली खान को कहा जाता है एक समय के बहुत ही वेल्थियस्ट पर्सन थे सबसे अमीर व्यक्ति थे पूरे दुनिया के उनका पोर्ट्रेट टाइम मैगजीन के कवर में था 1937 में यह भी एक आया है ये बात है, पर लिखा हुआ है ठीक है वो अलग से अपनी उनका एक मिंट चलता था उनकी अलग से करेंसी हैदराबाद रूपी भी चलती थी ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा सब फैक्ट कनेक्ट करके बता रहा हूँ वर्ल्ड वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ ऑल टाइम देखो यहाँ ऊपर में लिखा है पॉइंट नंबर टेन के पास ये दे ध्यान देंगे तो टाइम मैगजीन में उनका पोर्ट्रेट भी आ चुका है छपा था ठीक है हैदराबाद रूपी चलाते थे नोट छापते थे अपनी और उनका मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ यानी सबसे ज्यादा उनको पैसा कहा, कहां से मिलता था जो धन इकट्ठा गोलकोंडा माइन्स से मिलता था जो उस समय का उस समय की बात करें तो गोलकोंडा माइन्स ही एकमात्र जगह थी जहां से पूरी दुनिया में डायमंड सप्लाई होता था वो तो, तो बाद में साउथ अफ्रीका और डिबियर्स ये सब कंपनी आ गई तो गोलकोंडा माइन्स जो है पहले एकमात्र डायमंड सप्लायर्स था पूरे विश्व का ठीक है और उसी में से मिला इनको जेकब डायमंड जिसकी कीमत लगभग पचास मिलियन पाउंड है और उसको निजाम पेपर वेट की तरह यूज करते थे कौन थे ये मीर उस्मान अली खान ठीक ये है वो कोई डाउट किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जी हैदराबाद चर्चा में भी है बिल्कुल सही हैदराबाद का नाम बदलने का भाग्यनगर की बात चल रही है भागमती भाग्यनगर यहां तक कोई डाउट ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना फोर स्पीड साउंड स्क्रीन क्लियर स्ट्रैटेजी सब क्लियर है चल आगे बढ़ू मैं सब नोट कर लिया एस 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 मतलब समझ नहीं है? एस 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 का मतलब है स्पीड साउंड स्क्रीन और एक और इसका मतलब स्ट्रेटेजी स्पीड क्लियर है स्पीड मेरी ठीक है साउंड ठीक है स्क्रीन ठीक है तो बार बार मैं नहीं पूछता बीच बीच में हर तीन चार क्वेश्चन के बाद आप लोग फोर एस लिख दिया करो फोर एस मतलब है सब चीज ओके चल रहा है कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है इससे मुझे भी पता चलता है ठीक है ओके ऑल टॉपिक क्लियर केबीसी के सी टीबीपी ओके चलो आगे बढ़ू मैं यहां तक क्लियर है देखो मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया मीर ओस्मान अली खान जैकब डायमंड गोलकोंडा माइंस सारी चीजें कनेक्ट कर दी है ठीक है निज़ाम ऑफ हैदराबाद सब सब चीज कनेक्टेड है ओके ठीक चलो सब लोग तैयार रहेंगे यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको ये बोला कभी भी कॉल आ सकती है ठीक है कब चालू हो रहा है कब टीवी पे आएगा वो सबसे ज्यादा मतलब मत रखे वो सब आपको व्हाट्सअप ग्रुप में पता चल जाएगा ठीक ओके चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगला एक और है इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड सैयद अहमद एल, एल अब ये कौन है देखो मैं कनेक्शन कर दिया आपस में ये वही व्यक्ति है, हैदराबाद के कमांडर इन चीफ थे ये क्योंकि हमको पता है कि हैदराबाद का विलय हुआ तो 1948 में उस समय हैदराबाद स्टेट फोर्स के कमांडर इन चीफ कौन थे ये पूछ सकते हैं बहुत हाई लेवल क्वेश्चन सैयद अहमद एल, एल एड्रूस ये देखो ये है फोटो और किसके सामने सरेंडर किया है जॉयंतोनाथ चौधरी सिकंदराबाद ये देख लो ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के हिसाब से ये है वो फोटो सैयद अहमद एल एडरूस हैदराबाद स्टेट फोर्स के चीफ थे और भारत की तरफ से कौन थे आर्मी चीफ जयंतो नाथ चौधरी ये देख लीजिए नाम लिखा है जयंतोनाथ चौधरी जयंत चौधरी सिकंदराबाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन था उस समय दोनों जगह का हैदराबाद का कौन था जनरल एडरूस और भारत की तरफ से कौन था जयंतो नाथ चौधरी ये दोनों मिल रहे हैं ये वहां की फोटो है ठीक है गूगल विकीपीडिया में और क्लियर मिल जाएगी ओके पूरा कनेक्शन हो गया है अपना हैदराबाद का ओके यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बता दीजिए मैं सारा कनेक्शन कर दिया हूं ये फोटो ये नाम देख लो ऐतिहासिक फोटो ऐसे ही ऐतिहासिक फोटो पूछता है केबीसी बिग पिक्चर में कि पैटर्न चेंज हो रहा है तो आजकल वो भरोसा नहीं है पिक्चर ही पूछ देगा तो क्या कर लोगे के बीसी हॉटचीट में जाके थोड़ी ना बोलोगे कि अरे हम तो पढ़े नहीं थे हमको तो लगा था खाली वो फोर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें इमेज का कुछ नहीं रहेगा कुछ भी पूछ सकता है ठीक ओके मेजर जनरल एल एड्रूस ओके ठीक है कोई डाउट चलिए आगे बढ़ते हैं एक फोन आ गया था इंपॉर्टेंट इससे मैं म्यूट पे चला गया था ठीक है यहां तक कोई डाउट क्लियर है ना सब क्लियर ओके okay? अगला बढ़ते हैं अगला फोटो ओके ये तो मस्त फोटो है एक देखिए आदमी एकदम है ये खड़ा है यहाँ घूम रहे हैं लोग कहीं पार्टी हो रही है पता नहीं क्या है मस्त फोटो है ये कहाँ की फोटो हो सकती है किस देश की फोटो हो सकती है साउंड हाँ चला गया था एक कॉल आ गया था इसे मैं म्यूट कर दिया था ये किस देश की फोटो हो सकती है कहाँ की फोटो हो सकती है सब लोग मस्त बढ़िया से खेल रहे हैं घूम रहे हैं पार्टी बना रहे हैं पिकनिक कर रहे हैं ओके <coughs> okay, अभी क्लियर है एस 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 स्पीड साउंड स्क्रीन क्लियर ओके गूगल ऑफिस बहुत बढ़िया जिम भी है खाने पीने खेलने की व्यवस्था है सब बढ़िया है गोवा ओके बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है ओके वापस आ गया साउंड वापस आ गया साउंड लोगों का बीच बीच में कॉल आ जाता है ना कुछ डाउट रहती है कि बीसी की ट्रिपल एफ की कुछ डाउट रहती है तो बात करना पड़ता है फेसबुक ऑफिस ओके नहीं ओके ठीक है चलिए मैं आंसर बता देता हूं आंसर तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं ठीक है यह है, है नॉर्वे की हेल्डन जेल की फोटो वहां हेल्डन जेल का है यह व्यवस्था वहां कैदियों को भी ऐसे रखा जाता है कि भाई ठीक है तुम बाहर ऐसे तो ऐश कर रहे थे आराम से थे अब अंदर में क्या अंदर में भी आप आराम से रहोगे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी अच्छे से यहां निपटाओ ये नॉर्वे की हेल्डन जेल है ठीक है ओके ठीक है तो वहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं चलो आगे बढ़ते हम लोग नॉर्वे की हेल्डन जेल ओके okay. चलो ठीक अगला ओके इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और क्रिकेट का बहुत ही यूनिक फैक्ट है सिंगल इनिंग्स में मतलब दस विकेट लेने की बात करें फर्स्ट क्लास मैच की तो यहां पर ना आप ये यह देखिएगा यहां पर मैंने पूरा रिकॉर्ड लिखा है देखो, जिम लेकर अनिल कुंबले और एजाज पटेल ने तो टेस्ट में लिया है उसके अलावा एक व्यक्ति दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं टिच फ्रीमैन जिन्होंने तीन बार दस विकेट लिया है क्रिकेट में। इस रिकॉर्ड को याद रख लीजिएगा ठीक है इस रिकॉर्ड को आप याद रख लीजिएगा सबसे पहले किसने लिया अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में दस विकेट तो बात करते हैं एडमंड हिंकली 1848 की बात करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें अब एक यूनिक खतरनाक क्वेश्चन आता है करोड़ करोड़ लेवल पांच करोड़ का किस व्यक्ति ने तीन बार दस विकेट लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो टिच फ्रीमैन फ्रीमैन टी आई सी एच ये नोट कर लो तीन बार इन्होंने लिया और तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार लिया है अब आप सोचोगे दो बार कौन लिया भाई तो डब्ल्यू ग्रेस हेडली वेराटी और जिम लेकर जिम लेकर ने दो बार लिया है आप लोग को लगता था जिम लेकर तो एक बार ही लिए हैं लेकिन क्या है यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी बात कर रहे हैं नॉर्मल टेस्ट इनिंग्स की बात करें तो जिम लेकर अनिल कुंबले और एजाज पटेल है है ये तो सबको पता लेकिन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो एक व्यक्ति ऐसा जिसने तीन बार लिया है 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 उसका नाम है टिच फ्रीमैन ठीक और तीन लोग ऐसे हैं जो दो बार लिए हैं डब्ल्यू ग्रेस हेडली वेरिटी और जिम लेकर ये दो बार लिए इन्होंने ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा तो मैंने सोचे उठा के डाल देता हूँ सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने लिया है दस विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो हिंकले ये नाम लिखा है आप नोट कर लीजिए तो ये यूनिक फैक्ट मैं उठा के ले आया सब नोट कर लो क्रिकेट स्पोर्ट्स का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक ट्रिपल एफ की कॉल सुबह नौ बजे से लेकर रात के नौ बजे के बीच में आती है ये नोट कर लो ये बहुत ही हाई लेवल का फैक्ट था मैं बता दिया हूं ठीक है ओके नोट कर लिया टीच फ्रीमैन तीन बार किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दो बार करने वाले डब्ल्यू जी ग्रेस हेडली वेराइटि जिम लेकर हैं और नॉर्मल टेस्टिंग्स का तो सबको पता है जिम लेकर अनिल कुंबले एजाज पटेल ठीक ठीक है एस 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 ओके आगे बढ़ू मैं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है ठीक है ये एकदम पांच करोड़ टाइप का क्वेश्चन है ये ठीक है टिच फ्रीमैन इंग्लेश इंग्लैंड के थे उनका एक्चुअल नाम एल्फ्रेड फ्रीमैन था उनको टिच फ्रीमैन भी बोलते थे ठीक है ट काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे कैंट काउंटी क्रिकेट क्लब वो मिनरल वाटर होता है ना वैसे okay. ठीक ओके okay, नोट कर लिया बहुत सारे लोग सुने भी नहीं होंगे अरे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी भी जिम लेकर लेके बैठा है है एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता इसमें से किस व्यक्ति ने टेस्ट इनिंग के अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी दस विकेट लिया है आप सोचोगे अरे ये कौन है ऑप्शन दे देगा फिर कंफ्यूज ठीक ओके एच फ्रीमैन तीन बार दो बार वाले भी लोग हैं ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से कौन व्यक्ति ने दो बार लिया है सिर्फ दो बार लिया है तो ऐसे करके ग्रेस वेरिटी जिम लेकर और कुछ और ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए किसने नहीं लिया किसने लिया ठीक ओके आगे बढ़े कितने दिन से रुके हुए थे तो खोज रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक निकल निकल के आ रहे हैं बहुत क्वेश्चन है टेंशन नहीं इजी क्वेश्चन इंटरनेट एक्सप्लोर का ये मकबरा कहां पर बनाया गया है पहली बात चालू का गो इंटरनेट एक्सप्लोर यहां पर क्लियर लिखा है उन्नीस सौ पंचानवे सत्रह आठ उन्नीस सौ पंचानवे और इस इंटरनेट एक्सप्लोर बंद कब हुआ पंद्रह जून दो हजार बाईस में ये इंटरनेट एक्सप्लोर का एक मकबरा टूम बनाया गया किस देश में बनाया गया है ठीक ओके सब नोट करते रहो भाई और जिनको कॉल आ गया है वो तैयारी करते रहो समय बहुत कम है और जिनको आने वाली वो भी अच्छे से तैयारी करते रहो ओके चलो सबका आंसर सही आ रहा है रंजन जी का सही साउथ कोरिया साउथ कोरिया परफेक्ट आंसर साउथ कोरिया इंटरनेट एक्सप्लोरर कब चालू हुआ कैसे उसका बैकग्राउंड है उसका क्या इतिहास रहा है वो सब आप लोग जरूर देख लेना काम आएगा आगे ठीक है ये बहुत सारे भी डिटेल में मैं जाता नहीं हूँ उतना ओके ना टाइम रहता नहीं है आप लोग उसकी डिटेल्स देख लीजिएगा ठीक है ओके कुछ अमूल हिट्स भी देख लेते हैं वो मैंने डाउनलोड किए थे अमूल हिट्स को भी देख लेते हैं अपन लोग ये, ये कुछ अमूल हिट्स हैं जो आपको मिल जाएगा अमूल की वेबसाइट पर लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर भी दिखा देता हूं ये मिताली राज के लिए था जब वो उन्होंने करियर अभी रिटायर हुई ये वो एक था अमूल का और दूसरा राफेल ने राफ राफर एवर एंड एवर ये लिखा है ना जो राफेल नडाल ने जीता उसके बारे में था ये थोड़ा सा इमेज को एक बार देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें कुछ ऐसा कोई खास फैक्ट नहीं है लेकिन इसमें ये ऐसी इमेज दिखा के पूछ सकता किस है किससे रिलेटेड है तो ये था क्योंकि अमूल निकालते रहता है कुछ ना कुछ ओके तो ये दोनों चीज आप देख लो ओके ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं मैं दो चार ऐसे हैं ये विक्रम मूवी आई थी ये उसके लिए था विक्रम मूली विक्रम मूल लिखा है मस्का एंटरटेनर ये और दूसरा यारो याद आएंगे ये पल अलविदा के के कभी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा ये अमूल हिट्स का मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्या है कि जो इवेंट होता है ना रिसेंट इवेंट जो होता है जानकारी को आप वो कर लेना ठीक है नहीं तो दिक्कत होगी आपको ठीक है पढ़ लेंगे तो अच्छा है नहीं पढ़ेंगे तो ओके ठीक तो विक्रम मूवी के ऊपर है और फिर फर्स्ट क्लास लाइक रंजी जी 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 रंजी टाइप ओके समझ सकते हैं रंजी जैसे ओके अगला देखते हैं ये जेरेनिंग चैंपियन ये लिखा है ये बॉक्सिंग में भी जीता था ना निखत जरीन ने ये उसके बारे में था और दूसरा ही सिंबलाइज द गेम ये एंड्रू साइमंड के बारे में ये देखिए ठीक है कंगारू बना कंगारू एंड्रू तो इससे आपको हिंट मिलेगा तो ये सब इसलिए देखने बोल रहा हूँ मैं इसको देखेंगे एक तो इमेज वाले कभी पूछ देगा मान लो फ्यूचर में कि ये अमूल डूडल हिट्स किस काम का था तो आप वो बता सकते हो दूसरा उससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो जानकारी आपको पता चल जाएगा अच्छा ये हुआ था वो हुआ था कोई जीता कोई हारा किसी की मृत्यु आपको पता चल जाएगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत काम आता है मैं भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेता हूँ आप लोग भी इसको वो कर सकते हो ठीक है अगला ये इसमें भी डिटेल्स मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोर रिटायर हो गए सत्ताईस साल के बाद ये उसके बारे में है ये बना हुआ है फिर आई का मीडिया राइट्स खरीदा गया इनक्रेडिबल प्रॉफिटेबल लीग ये लिखा है उसके बारे में है ये ठीक है उसके इंडियन वुमेन की क्रिकेट ग्रेटेस्ट क्रिकेट रिटायर हो गई मिथाली दो कैरियर पे मिठाली दो कैरियर पे ये लिखा हुआ है तो ये इन जनरल चीजें हैं ये काम आती हैं कहीं ना कहीं आपको और दिखा देता हूं मैं ये गीतांजलि ने जीता देखो आप इसको देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है देखो करंट अफेयर्स का कितना सारा चीज यहाँ पर मिल रहा है आपको आप क्लिक करोगे तो आपको मिलते जाएगा अमूल हिट्स में जाओ गूगल में और वहां पढ़ लो अच्छे से ठीक है अमूल हिट्स ये मैं लिख दे रहा हूँ अमूल हिट्स पे जाइए वहां पर पूरा करंट अफेयर्स को उसकी इमेजेस रहती है और उसमें सब चीज रहता है ये अमूल हिट्स ठीक है ये नॉवेल के लिए मिला था टॉम ऑफ सेंड पहला हिंदी नॉवल जिसको इंटरेस्ट बुकर प्राइस मिला ठीक है जी ग्रुप में शेयर करिएगा बिल्कुल रंजन जी सब नॉलेज शेयर करिएगा ओके फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया क्वाड क्वाड नाम से जो बोला जा रहा है ये भी यहाँ पर बता रहा है देखो इसमें सब चीज आ जाता है आप ध्यान दोगे ना तो अमूल हिट्स में बढ़िया अच्छा डिटेल करंट अफेयर्स का कर रहता है मतलब एक ऐसा चीज जिसमें इमेज भी देखते हैं हम और पढ़ाई भी हो जाती है नहीं तो क्या खाली पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं लिखा लिखा बोर लगता है है ना तो थोड़ा सा मजा भी आता है कार्टून जैसा फॉर्म में और सबसे नीचे मैनचेस्टर सिटी ने अपना चौथा प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीता ये उसके बारे में था ठीक है नीचे में ओके फिर ये देखो पंडित शिव शंकर शर्मा का मैंने पहले ही फैक्ट बताया था कि उनको ऑफर की गई थी सात हिंदुस्तानी मूवी ये उसके बारे में है यामूल हिट है इससे भी आप उसके डिटेल में जा सकते हैं पंडित शिव शर्मा फिर इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर बनाया फर्स्ट टाइम मई क्लियर लिखा हुआ, हुआ कहा क्या पढ़े इंपॉर्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट काम करेगा आपका अमूल हिट्स ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ आप लोग बिल्कुल देखते रहो रेगुलर उसमें आते है कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सारी साइटसाइट्स है जिसमें रहता है ठीक है एस 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 फोर फोर एस क्लियर है ओके और ये तो नीचे का तो कुछ खास था नहीं ऐसे ही है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी उसके बारे में तो चलो अगली फ़ोटो देखते हैं ये क्या चीज़ की फ़ोटो है रिसेंट करंट अफेयर्स की फ़ोटो बता दीजिए इजी क्वेश्चन है चलो मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का विनर बना बिल्कुल सही बिल्कुल सही सबका आ गया आंसर इसके पीछे भी कहानी है वो आप जरूर देखिएगा सुनिएगा इसके जो कोच है वो बहुत पहले इसी स्टेडियम में उनकी टीम पहुंची थी लेकिन वो जीत नहीं पाए थे ये भी एक कहानी है उसको देख लीजिए चंद्रकांत पंडित है कुछ नाम है उनका तो वो बहुत साल पहले नहीं जीता पाए थे अब वही कोचिंग करके उनको जिताया है ओके चलो मध्य मध्यप्रदेश में रंजी, रंजी ट्रॉफी उसका था बिल्कुल सही आगे बढ़ते हम लोग इक्कीस जून उन्नीस को इनका जन्म हुआ था ये पहली एशियन वुमेन थी जिनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया था ये कौन है महिला उनके बचपन की फोटो है 21 जून उन्नीस को उनका जन्म हुआ था उनको पिंकी नाम बुलाया जाता था तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और पहली एशिया की महिला थी जिसको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया था ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया था इनको पहली एशिया वूमेन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये फोटो से तो खैर आप उतना पहचान नहीं पाओगे मैं आपको ये 21 जून 1953 है इनको पिंकी नाम भी बुलाया था देखो इसमें पांच फैक्ट आ जाएंगे 21 जून 1953 पिंकी नाम बुलाया जाता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पड़ती थी पहली एशियाई महिला जिनको ऑक्सफोर्ड यूनियन में सिलेक्ट किया गया ये एक यूनिक क्वेश्चन बन सकता महिलाओं के लिए खासकर ठीक है इसका आंसर बिल्कुल सही है डॉक्टर आशीष जैन ने दिए बेनजीर भुट्टो रंजन कुमार ने जी ने भी दिए बैनजीर भुट्टो बिल्कुल सही बेनजीर भुट्टो ठीक है बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा ठीक ओके बिल्कुल सही बेनजी भुट्टो है ये ओके ये एक फोटो है जो ली गई है सत्ताईस जून 1923 को की इस फोटो की खास बात क्या है 1923, 27 सत्ताईस जून 1923 इस फोटो की क्या खास बात है ऐसी यूनिक यूनिक क्वेश्चंस को जानना समझना जरूरी क्योंकि पैटर्न कभी भी बदल सकता है इस फोटो की कुछ खास बात है बिल्कुल सही पहली रिफ्यूलिंग की फोटो पहली बार हाँ रिफ्यूलिंग का बिल्कुल सही पहली बार एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फ्यूल भरा गया हवा में ये उसकी फोटो है एरियल रिफ्यूलिंग फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बिल्कुल सही कौन सा प्लेन इस्तेमाल किया गया था डीएच फोर बी प्लेन ये 1923 का मैंने कहीं लिया वहां से डीएच फोर बी बाईप का इस्तेमाल किया गया था ठीक है कमेंट्स में लिखा है देख लीजिएगा और कौन कौन थे इसमें इन्वॉल्व वो भी आपको जानना जरूरी है कौन कौन थे दो पायलट कैप्टन लोवेल स्मिथ और लेफ्टिनेंट जॉन पी रिक्टर रिक्टर फर्स्ट मिड ईयर रिफ्यूलिंग जून 1923, रॉकविल फील्ड, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से चलिए आगे बढ़े ओके चलो अगला क्वेश्चन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज चालू हुई थी 30 जून 1937 को जब एक घर में आग लग गई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विम्पोल स्ट्रीट नवंबर 1935 में जिसमें पांच महिलाएं जल गई थी पांच महिला का निधन हो गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक भी है मैं इसको ओके okay. सबसे पहली बार यहां पर चालू हुआ था इमरजेंसी कॉल सिस्टम बिल्कुल सही डॉक्टर आरसी जैन का फर्स्ट एवर ट्रिपल नाइन कॉल दुनिया की पहली अगर इमरजेंसी सर्विस की बात की जाए नंबर की बात की जाए तो ट्रिपल नाइन का आविष्कार किया गया था जैसे अमेरिका का नाइन वन वन है इसीलिए जानबूझ के ओसामा बिन लादेन ग्रुप ने नाइन बाई इलेवन जो बोलते हैं ग्यारह सितंबर का हमला जानबूझ के नाइन वन वन चुना था क्योंकि नाइन बाई इलेवन अमेरिका का इमरजेंसी सर्विस नंबर तो इसको याद रखिएगा उसके बाद ही सिस्टम लाया गया कि भैया फोन में हम फ्री कर देते हैं नहीं तो लोग तो फोन ही नहीं करेंगे पैसा लगेगा करके ट्रिपल लाइन सर्विस दुनिया का पहला इमरजेंसी सर्विस है ये पूछ सकते हैं, कहाँ चालू हुआ इंग्लैंड में ठीक है ओके इसको याद रखिएगा ठीक कोई डाउट इसलिए चालू किया था ठीक है ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में अगला जो है कैप्टन विक्रम बत्रा ये देखिए परमवीर चक्र थर्टीन जे के आर आई एफ ये लिखा हुआ है एक इंस्टाग्राम से लिया गया ये बीस जून उन्नीस निन्यानबे को उन्होंने कहां पर झंडा फहराया था ये लिखा पॉइंट फाइव वन फोर जीरो और मैसेज दिया था किसको मैसेज दिया था कमांडिंग ऑफिसर अपने लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी जो अभी जनरल जोशी है है ये दिल मांगे मोर ठीक और वही बाद में शेरशाह नाम से फेमस हुए ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा ठीक है 20 जून 1999 को कौन से पॉइंट पे गए थे क्योंकि ये सब कनेक्टेड है पॉइंट फाइव पे झंडा फहराया तिरंगा फहराया मैसेज किसको दिया था ये भी जानना जरूरी है अभी तो सबको पता है शेरशाह मूवी देख लिया तो किसको मैसेज देते लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी को क्या बोला था दिल मांगे मोर और क्या उनका कोड नेम था वो शेर शाह ठीक है ओके आगे बढ़ू कोई डाउट किसी को पॉइंट फाइव वन फोर जीरो ठीक है इसको याद कैसे रखोगे पॉइंट फाइव वन फोर जीरो को सिंपल है पॉइंट फाइव लिखा है उसके बाद वन और फोर को जोड़ने पर भी फाइव होता है तो दोनों फाइव फाइव होता है ऐसे याद रख लेना वन फोर जीरो को भी जोड़ोगे तो फाइव हो रहा है और इधर भी फाइव है पॉइंट फाइव वन फोर जीरो ओके okay. ऐसे याद रख लें नंबर कि किस पॉइंट पे किया गया था ये ठीक पॉइंट फाइव वन फोर जीरो ठीक है बहुत सारे जीके के फैक्ट ऐसे ही रहते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं आप, आप देखोगे ध्यान से तो ईजी लगेगा सिर्फ रट्टा मार के पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक चलो आगे बढ़ता हूं मैं सैमुअल जॉनसन <coughs> फोटो देख लो क्या है? इसकी खास बात बता देते हैं सेमुअल जॉनसन देख लिए बड़ा सा वीग है फोटो एंड पोर्ट्रेट है ये सैमुअल जॉनसन सेमुअल जॉनसन की भी कुछ खास बात है या डॉक्टर जॉनसन भी बोलते हैं इनको इनकी खास बात थी इन्होंने वर्ल्ड की पहली डिक्शनरी बनाई थी इंग्लिश लैंग्वेज की सैमुअल जॉनसन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोग जो डिक्शनरी पढ़ते हैं वैसे अभी तो नहीं पढ़ते आजकल सबके सब गूगल सर्च हो गया है सब गूगल में सर्च मार लेते हैं डिक्शनरी कोई खोल के देखता नहीं है मैं तो कभी कभी देखता हूँ अच्छा लगता है पुराना बुक्स देखना सैमुअल जॉनसन व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की पहली डिक्शनरी बनाई थी दुनिया में ठीक है ओके याद रहेगा सैमुअल जॉनसन ये खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, लोग हैं उनके लिए वर्ल्ड की पहली डिक्शनरी बनाने वाले सैमूल जॉनसन ओके डनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है सैमुअल जॉन्सन डॉक्टर जॉनसन भी बोलते थे इनको ठीक वर्ल्ड की पहली ठीक ओके okay. चलो आगे बढ़ो सुल्तान अली मुसा मबिकी एक बहुत ही अमीर रूलर थे राजा थे अफ्रीका की एक जगह के उनको काफी इस्लामिक नॉलेज भी था जब वहां पर पुर्तगाली आए तो उन्होंने सुल्तान को भगा दिया वहां से हाँ उसके बाद सुल्तान को भगा दिया और ४०० साल तक राज किया उस एरिया में तो वो एरिया का नाम क्या था या हम सुल्तान अली मुसा मबिकी को किस नाम से जानते हैं या उसका क्या है क्या कनेक्शन है जोग्राफी से सुल्तान अली मुसा मबिकी यहाँ आपको मैं दो फैक्ट बताऊंगा दो क्या तीन बता दूंगा सुल्तान अली मोसम अबिकी इतना आज कल की बी सी और बिग पिक्चर के लिए कि सब तरफ से तैयारी करनी बहुत जरूरी है नाम पे ध्यान दो मोसम अबी की बिल्कुल सही मोजाम्बिक मोजाम्बिक सही है मोजाम्बिक नमन जी का आगे आंसर मोजाम्बिक मोजाम्बिक नाम को देखो सुल्तान अली को हटा दो मोजाम्बिक मोजाम्बिक हो गया ना और यहीं से ही आ, आया है कहते हैं कुछ लोग संबी जो शब्द है ना मोसंबी जो खाते हैं ना संतरा मोसंबी ये मोसंबी मोजाम्बिक ठीक है तो यही है वो मोजाम्बिक ठीक है यहीं से आया मोसंबी ओके याद रखेंगे और मोजाम्बिक के झंडे में एके फोर्टी सेवन है ये आपको तो पता ही होगा मोजाम्बिक के झंडे में ए के फोर्टी सेवन है ओके ठीक है ठीक ओके फ्लैग ऑफ मोजाम्बिक इंक्लूड द इमेज कैलिशनिक राइफल ऑटोमेटिक फोर्टी सेवन एके फोर्टी सेवन नाइनटीन फोर्टी सेवन में बना ठीक ओके आगे मैं कोई डाउट एस 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 स्पीड क्लियर लिख दो ठीक ओके ये देखो बेनिफिट ऑफ योग योग के बेनिफिट के बारे में किसी ने डाला है योग फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल योग डे योग फॉर ह्यूमैनिटी 2022 ये किसने डाला वहां का झंडा मोजाम्बिक का झंडा आप देख सकते हैं गूगल में मिल जाएगा आप लोगों को बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन फिर हमारे खत्म हो जाएगा सेशन ओके और भी हैं वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बट उसको मैं आगे के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि अभी आपका केबीसी मराठी शायद स्टार्ट हो रहा होगा ओके ये क्वेश्चन क्या लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल योग डे का ये किसने डाला था चलो मैं बता देता तो ये इंटरनेशनल योग डे का ये जो पोस्टर है ये डाला था पाकिस्तान ने ठीक है ओके पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डाला था बाहुबली हरियाणा वाले गुड इवनिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डाला था ठीक है योग फॉर ह्यूमैनिटी 2022 ये पोस्टर पाकिस्तान गवर्नमेंट का था ठीक ओके लास्ट क्वेश्चन हमारा कनेक्शन क्वेश्चन इस पे ध्यान दीजिए नीचे ये जो मर्फी का एड है मर्फी रेडियो पहले मर्फी रेडियो बहुत चलता था बहुत समय पहले मर्फी रेडियो में ये महिला कौन है ये तो इजी ये क्वेश्चन नहीं बनता इजी है ये मर्फी रेडियो में ये जो दिख रही है महिला नीचे एक बच्चा दिख रहा है ये बच्चा लेफ्ट साइड में एक बच्चा दिख रहा है ये बच्चा कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा इसको फिर खत्म करना है हमको ठीक है ये बच्चा कौन है मर्फी रेडियो में जो बच्चा दिख रहा है इस बच्चे का नाम मैं आपको बता रहा हूँ इस बच्चे का नाम है कगयूर तिलकु रिंपोचे अब बोलेंगे इसका क्या करना हमको ये कगयूर तिलकु रिंपोचे कौन है मैं बताऊं ये है मंदाकनी का हस्बैंड मंदाकनी कौन हीरोइन उनके हस्बैंड थे ये एन मंदाकनी के हस्बैंड है ये कगयूर तिलकु रिंपोचे ये कनेक्शन याद रखना ठीक है मर्फी रेडियो को जो छोटा सा बच्चा दिखता है ना वो था हस्बैंड ऑफ एक्ट्रेस मंदाकनी ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यूनिक ठीक है ओके तो इसके बाद मैं सेशन को खत्म कर रहा हूँ एक क्वेश्चन आया है गौरांग मिश्रा सर का हु इज द ओनली वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटेड बजट इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान बहुत बढ़िया क्वेश्चन पाकिस्तान के इतिहास में बजट पेशकश करने वाली नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कौन महिला थी मुझे तो इसका आइडिया नहीं है मिश्रा जी आप ही बता देना आंसर या कोई ऑडियंस या सब्सक्राइबर बता सकते हैं तो अच्छी बात है जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर तो ये जो क्वेश्चन था मर्फी रेडियो का ऑफ मंदाकिनी ठीक है ये था के? और यहाँ पर आ रहे आंसर लोगों का हीना रब्बानी खार हीना रब्बानी ही परफेक्ट तो महिला जिसने बजट पेश किया हीना रब्बानी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलो अच्छा लगा थैंक यू आप लोग सब जुड़े लाइव ओके तो इसको मैं बंद करता हूँ प्रकट हो जाते हैं थोड़ा सा अंधेरा में इधर अंधेरा है लेकिन लाइट है चलिए तैयारी कीजिए अच्छे से कभी भी कॉल आ सकती है ओके अच्छे से तैयारी करते रहो ऑल द बेस्ट बाय टेक केयर गुड नाइट बाय बाय